गाइस वेलकम बैक दोस्तों, पिछले सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था प्राइम कोड और टैग कोड को। तो यहाँ पे हमारा जो बेस पार्ट था वहाँ तक कंप्लीट हो गया था, और अब जो बात की जाएगी वो की जाएगी सरफेस कोर्सेज की। सरफेस कोर्स या फिर कह लो वेयरिंग कोर्स, इसमें आपके जो चीज़ें आएंगी, जैसे कि अभी हम बीटी की बात कर रहे हैं, डामर की बात कर रहे हैं, तो डामर में तीन चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो पहले मैं क्या करूँगा, तीनों को डिटेल में समझाऊँगा और फिर एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है, ताकि आप उनको एक साथ क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो उसमें से पहला जो आपका आता है वो आता है बीएम, जिसको बोलते हैं बिटुमिनस मैकेडम। क्या होता है डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद में आता है डीबीएम, जिसको बोलते हैं डेंस बिटुमिनस मैकेडम। और तीसरा जो आता है वो आता है आपका बीसी, इसको बोलते हैं बिटुमिनस कॉन्क्रीट। तो तीन चीज़ें हो गई, बीएम, बीसी और डीबीएम। तीनों एक दूसरे से अलग होती हैं और अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। उसमें से पहला जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बीएम बिटुमिनस कॉन्क्रीट, सॉरी बिटुमिनस मैकेडम। ठीक है, अब इसमें होता क्या है इसको समझते हैं पहले। देखो, इसको आप एक लेयर में भी कर सकते हो, दो लेयर में भी कर सकते हो, ऐसा इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको आप चाहो तो 50 से 100 एमएम की थिकनेस पे इसको करते हैं। सिंगल कोर जो होता है वो इसका होता है मैक्सिमम 100 एमएम का और मिनिमम 50 का। ठीक है, तो 75 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा नहीं होगा, और इसको मल्टीपल कोर्सेज में भी कर सकते हो। अब होता क्या है इसमें, तो वही पहले एग्रीगेट प्लेस करते हैं, उसके ऊपर बिटुमिन जो है वो डाल देते हैं, एक मिक्सचर बन के आता है प्रॉपरली प्लांट से, और उसमें आपके एग्रीगेट भी होंगे, आपके डामर भी होगा, बीटी भी होगा, वो मिक्स में आता है। तो अब पहले समझो कि इसमें जो आपके एग्रीगेट आते हैं उस एग्रीगेट में डिफरेंस क्या है। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बिटुमिनस मैकेडम, और मैकेडम आप याद करो कि वाटर बाउंड मैकेडम जो हम पढ़ते थे, जिसको WBM बोलते थे, तो मैकेडम में क्या होता था कि नीचे बड़े पत्थर आते थे, फिर ऊपर छोटे पत्थर आते थे, फिर उसके ऊपर और छट्टे, और फिर फाइन डस्ट जो थी वो आती थी। इसको जो पैटर्न है, ये इस पैटर्न को कहा जाता है मैकेडम। अब यहाँ पे क्या होता है बीएम में, बिटुमिनस मैकेडम में, कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ओपन ग्रेडेड मिक्स को। अब ये ओपन ग्रेडेड मिक्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ओपन ग्रेडेड का मतलब ये है कि इसमें कुछ पर्टिकुलर साइज के एग्रीगेट होंगे और बीच के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो मिसिंग होंगे। मान लो कि 75 mm के पार्टिकल्स हैं, उसके बाद सीधे 26.5 mm के पार्टिकल्स हैं, उसके बाद डायरेक्ट 4.75 के पार्टिकल्स हैं, और बीच में जो सीव थी वो स्किप हो गई। मान लो कि 53 mm स्किप हो गया, ठीक है, उसके अलावा 9.5 mm स्किप हो गया। इस तरह से जो हैं चीज़ें होती हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज जो होंगी, कुछ पर्टिकुलर सीव्स होंगी, उनके पार्टिकल्स मिलेंगे और बीच में कुछ सीव जो हैं वो गायब होंगी। इसको मैं डिटेल में आपको ग्रेडेशन दिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए इतना ही समझो कि इसमें ऊपर की लिमिट होती है, नीचे की लिमिट होती है, यानी कि जो सीव लगी हुई है उसमें टॉप सीव का फिक्स है, बॉटम सीव का फिक्स है, और बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो मिसिंग होते हैं, यानी कि वो सारे पार्टिकल्स इसमें शामिल हो जाएंगे। मान लो कि ऊपर लगा दी सीव 75 mm की, नीचे लगा दी 2.36 की, अब उसके बीच में जितने ही पार्टिकल्स आ गए वो सारे हमने बीएम में ले लिए, यानी कि टॉप लेयर फिक्स कर दी, बॉटम लेयर फिक्स कर दी, बीच के लेयर कोई फिक्स नहीं की। तो वो आता है ओपन ग्रेडेड मिक्स में, ये इसका मतलब होता है। डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें होता यह है क्योंकि पार्टिकल्स बड़े हैं, ओपन ग्रेडेड है, इसका मतलब यह है कि इसमें वॉइड्स ज़्यादा होते हैं, और अगर वॉइड्स ज़्यादा होंगे तो इसमें ज़्यादा पानी को ये अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा। इसमें आप पढ़ भी सकते हो, देयर इज़ अ पोटेंशियल दैट इट मे ट्रैप वाटर, यानी कि वाटर को ये ट्रैप कर देता है, होल्ड कर लेता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉइड्स ज़्यादा होते हैं इसलिए। तो अगर पानी को ये होल्ड कर रहा है तो इसके लिए शोल्डर आपको क्या बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा शार्प बनाने पड़ेंगे, यानी कि उनका जो ड्रेनेज है, जो स्लोप है, वो ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि पानी तुरंत से निकल जाए। वरना होगा क्या, ये डामर का जो पार्ट है आपका, बीटी जो है उसको डैमेज करने लगेगा पानी। ठीक है, बीटी और पानी का एकदम 36 का आंकड़ा होता है, दोनों एक दूसरे को ख़राब कर देते हैं। तो पानी हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे रोड से साइड में बह जाए, ड्रेन कर जाए। तो यहाँ पे होता यह है कि जो शोल्डर है उसका स्लोप आपको ज़्यादा रखना पड़ता है बीएम के केस में, क्योंकि पानी को ये होल्ड ज़्यादा करता है, क्योंकि इसमें ओपन ग्रेडेड मिक्स का यूज़ करते हैं और इसलिए इसमें वॉइड्स ज़्यादा होती है, राइट? अब आ जाओ आगे, कोर्स एग्रीगेट का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए क्या है कि 2.36 mm पे रिटेन होना चाहिए, ये जो पार्टिकल्स हम यूज़ करेंगे वो रिटेन होना चाहिए 2.36 पे। इट शैल बी क्लीन, हार्ड, ड्यूरेबल, ये तो प्रॉपर्टी होती है एग्रीगेट की, तो वो सब तो रहेगा ही। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि नॉट लेस देन 90% ऑफ द वेट ऑफ द क्रश्ड मटेरियल रिटेन्ड ऑन द 4.75 mm सीव शेल हैव एटलीस्ट टू फ्रैक्चर्ड फेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रशिंग ऑपरेशन, यानी कि 90% पार्टिकल्स है वो पास करने चाहिए किससे, 4.75 mm सीव से।
ठीक है, और इस पे रिटेन करने चाहिए 2.36 पे। तो एक रेंज मिल गई आपको कि 4.75 से पास करेगा, 2.36 पे रिटेन करेगा। तो ऊपर की लेयर फिक्स कर दी, नीचे की फिक्स कर दी, बीच का कोई पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं आपकी, किसकी, फाइन एग्रीगेट की। फाइन एग्रीगेट में क्या है देखो, पासिंग फ्रॉम द 2.36 mm सीव और रिटेन किया है किस पे, 75 माइक्रोन पे। तो यहाँ पे भी इन्होंने कर दिया कि ऊपर की लिमिट फिक्स कर दी, नीचे की लिमिट फिक्स कर दी, बीच का कोई सीव नहीं दिया। तो ये भी क्या हो गया, ओपन ग्रेडेड मिक्स हो गया, ठीक है। तो अब इसकी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि जो मैक्सिमम 5% पार्टिकल है वो ही पास करने चाहिए 75 माइक्रोन से, बाकी सारे क्या होंगे, रिटेन कर जाएंगे। और पास किससे करेंगे, 2.36 से। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपको साइट पे चेक करनी होती है कि अगर कोई वहाँ पे मिक्स बन के आ रहा है तो उसमें कितना विटामिन का कंटेंट है, जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ क्या है, ग्रेडेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो एज ए जूनियर इंजीनियर। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, फ्लैकनेस, इनोग्रेशन, ये सब आप देख ही सकते हैं, बाकी चीज़ों में भी हमने देखा ही है और यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आगे आती है हमारे पास में, वो आता है बाइंडर कंटेंट। तो बाइंडर कंटेंट तो आपका बिटुमिन है, बिटुमिन का आपको पता ही है, और यहाँ पे कुछ परसेंटेज वगैरह तो इस तरह से फिक्स नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल पढ़ लेते हैं हम एक बार, कि यहाँ पे लिखा है द एग्रीगेट में बी प्रोपोर्शन एंड ब्लेंडेड टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म मिक्स। तो वो तो आप देखेंगे कि मिक्स यूनिफॉर्म बनना चाहिए, उसके हिसाब से हमें बाइंडर ऐड करना होता है। और बाइंडर कंटेंट शैल बी विद इन अ टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 0.3% बाय वेट ऑफ द टोटल मिक्स, यानी कि टोटल मिक्स जो है उसका प्लस माइनस 0.3% इतना ही वेरिएशन होना चाहिए उसकी क्वांटिटी में, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए मिक्स में। तो मिक्स का प्रॉपर आपको मिल जाएगा। ग्रेडिंग यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए एग्रीगेट का जो बात कर रहे थे हम, दो साइज़ के एग्रीगेट थे हमारे, एक था 40 mm, देखिए यहाँ पे लिखा है एग्रीगेट ग्रेडिंग एंड विटामिन कंटेंट। तो एग्रीगेट ग्रेडिंग यहाँ पे लिखा है और विटामिन कंटेंट आपको नीचे दिया है, ये परसेंटेज में है। तो यहाँ पे दो साइज़ के पार्टिकल आ गए, एक आ गया 40 mm जो कि है नॉमिनल मैक्सिमम साइज़ ऑफ द एग्रीगेट, ये ऐसा नहीं है कि इसी साइज़ का होगा, ये मैक्सिमम साइज़ है। और ये आपका 20 mm पार्टिकल्स बोलते हैं इसको, ये 19 mm का होता है एक्चुअली। तो ये दो तरह के सीव आपके मिल जाएंगे आपको साइड पे। लेयर की थिकनेस जो है वो मैंने बताई थी 50 से 100 होती है, तो इसको दो पार्ट में बांट दिया, ये 80 से 100 के लिए कर दिया, ये 50 से 75 के लिए कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे सीव साइज़ आपको दे रखी है, देखिए यहाँ पे सीव साइज़ आपको सारी दी हुई हैं। तो जैसा कि 19 के लिए बात करें तो ये 19 पे रिटेन हो जाएगा, देखिए 19 पे 90% पार्टिकल्स कम से कम रिटेन होना चाहिए, राइट, सॉरी पास होना चाहिए, 19 से पास करेगा और फिर यहाँ पे जाके रिटेन होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कि अगर 45 या 40 mm की बात कर रहे हैं तो 40 से छोटी सीव कितनी आती है, 37.5, तो वहाँ पे 90% पार्टिकल जो आपके वो पास करने चाहिए। तो इस तरह से ग्रेडेशन इनका दिया होता है। उसके बाद बात करें विटामिन कंटेंट की, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3.3% और इसके लिए दिया है 3.4%। चूँकि पार्टिकल्स छोटे हैं तो सरफेस एरिया बढ़ गया, इसलिए विटामिन का कंटेंट इन्होंने ज़्यादा कर दिया। यहाँ पे पार्टिकल्स बड़े हैं, सरफेस एरिया कम होता है, ये तो आपने पढ़ा ही है, और यहाँ पे विटामिन का जो कंटेंट है वो भी इसलिए कम ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर दिया है जो आप देख ही सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द बेस, टेक कोट, ठीक है। इसमें मेन यही था कि ओपन ग्रेडेड मिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी फिर यहाँ पे वही जो आपको देखने को मिलेगा कि क्या रेट है, किस तरह से लेइंग की जाती है, क्या कॉम्पैक्शन किया जाता है, तो वो सारे सेम ही चलते हैं जो से बाकी हमने पढ़ा है उनमें, कि स्मूथ व्हील रोलर यूज़ होता है 8 से 10 टन का, तो ये चीज़ें सेम रहेंगी। जो डिफरेंस है वो ये है कि ओपन ग्रेडेड मिक्स क्या होता है, यानी कि मैकेडम में डिफरेंस क्या है, बिटुमिनस कंक्रीट में डिफरेंस क्या है और डीबीएम में क्या है। तो अगले लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा डीबीएम, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।